सोने चांदी के दाम अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद अब गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले छह दिन की अगर बात करें तो छह दिनों में सोने के दाम में लगभग 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम कम हो चुके हैं, तो वहीं चांदी के दाम करीब 13,500 प्रति किलो कम हुए हैं। रायपुर के बाजार भाव की बात करें तो 7 अगस्त को सोने के दाम 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे और चांदी के दाम 76,800 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके थे। वहीं कारोबारियों के मुताबिक मार्केट में अस्थिरता का माहौल है और ऐसे में कभी भी ये गिरावट दर्ज की जा सकती है। साल 2011 में एक बार ऐसा हो चुका है जब चांदी के दाम 75,000 रुपए तक पहुंचने के बाद तेजी से गिरने के साथ 35,000 रुपए तक आ चुके थे। गिरावट का कुछ ऐसा ही रुख इस बार भी है। हालांकि कारोबारियों के मुताबिक दिवाली तक सोने चांदी के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी संभावित है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, सोने चांदी के भाव जो है कोरोना काल में अगर देखा जाए तो सोने चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, इस वक्त क्या अपडेट है और क्या अभी ताजा कीमतें हैं दोनों ही की? देखिए, सोने और चांदी के मार्केट के भाव की बात करें तो काफ़ी अस्थिरता देखने को मिल रही है। 7 तारीख की बात करें तो सोने के दाम जहाँ 58,000 रुपये पहुँच गए थे प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम लगभग 76,800 रुपये प्रति किलो पहुँच गया था। ये अब तक का दोनों ही कीमती धातुओं का रिकॉर्ड दाम था, इससे ऊँचा दाम कभी नहीं गया। लेकिन उसके बाद जैसे हम पहले कह रहे कि मार्केट में अस्थिरता बनी हुई है जिसके कारण असर दिख रहा है और लगभग 6 दिन बाद सोने के दाम की बात करें तो लगभग 5,000 रुपए प्रति तोला कम हो गया और चांदी लगभग 13,000 रुपए प्रति किलो कम हो गई है। तो उस हिसाब से लगातार गिरावट जारी है। कल की बात करें, कल जो मार्केट बंद हुआ था तो सोने के दाम उस समय 53,300 पे और चांदी के जो दाम है वो 63,300 रुपए पे बंद हुए थे। लेकिन आज सुबह मार्केट वापस तेजी के साथ खुला है और लगभग 54,000 रुपए सोना पहुंच गया है और चांदी में 1,500 रुपए की तेजी आज फिर दिख रही है। तो व्यापारियों के मुताबिक अस्थिरता का मार्केट है और दिवाली तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, दाम कभी भी अचानक तेजी से बढ़ सकते हैं और अचानक तेजी से भी घट सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सी उनका ये मानना है व्यापारियों का कि सोने में जो छोटे लोग हैं जो निवेश करना पसंद करते हैं तो थोड़ा सी यदि निवेश के हिसाब से ले रहे हैं तो थोड़ा संभल के लें, क्योंकि मार्केट में अस्थिरता का भाव है, कभी भी तेज हो सकता है और कभी भी डाउन हो सकता है और ये ट्रेंड पूरा दिवाली तक बने रहेगा। हाँ जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहे हैं इस वक्त रेट सोने और चांदी दोनों के ही, अभी इस वक्त इन्वेस्ट करना शायद बिल्कुल सही नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स भी यही कह रहे हैं। जी स्टार, जी बिल्कुल, जैसे यदि कारोबारियों की बात करें तो उनका साफ कहना था कि यदि कारोबारियों से जो हमने बात की थी उनके मुताबिक यदि ज्वेलरी के लिए खरीदना है तो आदमी खरीद सकता है क्योंकि वो ज़रूरत के लिए घर के लिए होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना है तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि रेट कभी भी बढ़ रहे हैं, अचानक कम हो जा रहे हैं, इसमें नुकसान भी हो सकता है फ़ायदा भी हो सकता है, अस्थिरता का माहौल है। जैसे हमने देखा 2011 में एक बार देख चुके हैं जब चांदी अपने पीक पे 75,000 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई थी, लेकिन बहुत कम समय में वो 75,000 से सीधा गिर कर 35,000 रुपये किलो तक पहुँच गई, लगभग 40,000 रुपये के दाम टूट चुके थे। और ट्रेंड की बात करें तो अभी इस वक्त वही ट्रेंड दिख रहा है, चांदी अपने पीक पर पहुंची, 78,000 रुपये तक पहुंची और उसके बाद भाव की बात करें तो तेजी से गिरते हुए है, करीब करीब 14,000 रुपये तक कम हो गया है पिछले 4-5 दिनों में ही। तो ये ट्रेंड आगे बना रहता है तो बहुत अस्थिरता का माहौल ये कह सकते हैं अभी। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टार।